नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल Excel Tricks by अंकित छाबड़ा में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ वी कैन डिलीट एक्स्ट्रा कॉलम्स इन सेकेंड्स। आप काफी बार हम जो है डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी पोर्टल से या कोई भी हमारे पास रिपोर्ट आती है तो समटाइम क्या होता है उसमें कुछ अननेसेसरी कॉलम्स होते हैं। अब अननेसेसरी कॉलम्स को हमें डिलीट करना पड़ता है। डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, वन बाय वन उस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं एंड देन उस कॉलम को डिलीट करते हैं, राइट। इस तरीके से जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अब ये तो बात है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ डेटा जो है वो काफी कम है तो हम सिंगल सिंगल इनको सिलेक्ट करके कॉलम्स को कर सकते हैं, लेकिन बात आती है जब मेरे पास कॉलम्स जो है वो थाउजेंड्स में हैं और तो उस केस में हम कैसे करेंगे। अगर मैं वन बाय वन करूंगा तो मेरा काफी टाइम कंज्यूम होगा और हो सकता है कि मिस्टेक भी हो जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिस भी पर्टिकुलर डेटा को मेरे को अननेसेसरी कॉलम्स को डिलीट करना है, यहाँ पे जो है मैंने जैसे अपना माउस जो कोड पे रखा है, कोड पे रखने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूंगा, शिफ्ट और स्पेस बार से हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लूंगा। शिफ्ट एंड स्पेस बार आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको जो पर्टिकुलर रो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, राइट। उसके बाद आपको F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करने के बाद आपको एक मेन्यू दिखेगा जिसमें गो टू का ऑप्शन होगा एंड देन वहां पे रेफरेंस के पास आपको ऑप्शन होगा एंड देन आपको स्पेशल पे जाकर के क्लिक करना है। स्पेशल पे जाने के बाद आपको जो है ब्लैंक्स पे क्लिक करना है एंड देन ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस जैसे ही आप करोगे तो जो भी इसमें सिलेक्टेड ब्लैंक्स कॉलम है वो सारे के सारे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इन ऑटोमेटिक सिलेक्टेड कॉलम्स को डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक शॉर्टकट ये है, इसके मदद से भी हम कर सकते हैं, Alt+E+D+C और एंटर। मैं जैसे ही करूंगा तो जितने भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी कॉलम्स थे जो सिलेक्ट हुए थे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है कि मैं कंट्रोल और माइनस का यूज करके एंड देन एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करके ओके जैसे ही प्रेस करूंगा तो अननेसेसरी कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे। सो आपने देखा कि विद इन 1 सेकंड हमने इस प्रोसेस को पूरा कर लिया। अगर मैं इसको वन बाय वन करता तो मेरा कितना टाइम कंज्यूम होता। सो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।